है एवरी वन वेलकम टू द चैनल इन टूडेज़ वीडियो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं लॉस पैल सर्वाइवल के बारे में सो so, ये वन ऑफ द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैन यू टॉक अबाउट ऑफ शोर सेफ्टी तो ऑफ शोर में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम लोग को अंडर वाटर करने पड़ते हैं ठीक है एंड ओशन में डेप्स एवरेज uh, स्टेप अगर बात करोगे तो तीन से चार किलोमीटर की रहती है ओशन की सो एट दैट टाइम जो सबसे फेवरेबल मेथड हमारे पास डाइविंग का होता है दैट इज़ कॉल्ड अ सैचुरेशन डाइविंग इन विच हम लोग एक बेल का यूज़ करते हैं जो कि आप इस पर्टिकुलर थंबनेल में देख सकते हो ठीक है और इस बेल के साथ जुड़ा हुआ जो सबसे ज़्यादा एक लाइक सबसे बड़ा हैज़ट का हो गया या फिर सबसे बड़ा जो एक्सीडेंट हो सकता है वो होता है लॉस बेल सर्वाइवल मतलब आपकी जो बेल है ये लॉस्ट हो सकती है जैसे आदमी नहीं होता है एस्ट्रोनॉट होता है स्पेस में लॉस्ट हो जाता है उसी तरीके से एक बेल जो है जिसमें कि बेसिकली सैचुरेशन डाइवर्स हैं ये बेल लॉस्ट हो जाएगी ओशन में तो ये वन ऑफ द मेन हैजर्ड है सो दैट्स वाई इमका ने इस एक स्टैंडर्ड बनाया जिसे हम कहते हैं इमका डी जीरो वन सेवन लॉस बल सर्वाइवल तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे कि इन केस अगर एक लॉस बल सर्वाइवल होता है तो उसमें डाइवर्स को क्या करना चाहिए एंड बीइंग एज अ सेफ्टी गई इफ यू आर देयर इन अ मराइम कंपनी तो आपको किस तरीके से अपनी ट्रेनिंग जो है बेसिकली डाइवर्स के लिए वो डिज़ाइन करनी चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल यहाँ पर रहेगा ओके लेट्स गो टू द वीडियो सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि लॉस्ट बैल का मतलब होता क्या है लॉस्ट पेल एक्सीडेंट का मतलब बेसिकली होता क्या है सो एज एव रिटन हियर लॉस्ट बैल एक्सीडेंट्स आर एसोसिएटेड विद सैचुरेशन डाइविंग वेयर द डाइव बैल एंड इट्स डाइवर्स कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम डेथ टू द सर्फेस तो सिंपल है आप ये डायग्राम को देखो आपके ईजिली समझ में आ जाएगा ये आपका सी सर्फेस है ओके okay? ये एक है डी एस डाइव सपोर्ट वैसल ओके जो मेजरली जितनी भी सैचुरेशन डाइविंग होती है वो डी एस से की जाती है ओके okay? ये आपकी डाइविंग बेल है और एक सैचुरेशन डाइवर है ओके डाइविंग बेल सर्फिस पर पहुँचती है जो ओशन फ्लोर है बेसिकली सी बैड वहाँ तक पहुँचेगी उसके बाद जो डाइवर है वो अपना पानी में निकलेगा बाहर ओके okay? और अपने जो भी वर्क्स हैं उसे परफॉर्म करने सी बेड पर वो परफॉर्म करेगा नॉर्मली अब अगर ये जो कनेक्शन ऊपर आपको दिखाई दे रहा है जो बेसिकली वेसल से डाइव बेल तक कनेक्शन गया हुआ है इसमें दो चीज़ें होती हैं सबसे पहले तो एक कनेक्शन वायर होती है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है जिसका मेन पर्पज़ होता है कि जो डाइव बेल है उसे होल्ड करके रखें ओके एंड सेकेंड जो होता है वो होता है एक बंच ऑफ अम्ब्लिकल्स अम्ब्लिकल्स इन देंस डीज आर कॉल्ड बेसिकली अम्बलिकल्स यू नो दिस थिंग्स ओके सो दिस इज अ बंच ऑफ केबल मतलब इसमें आपका बेसिकली ऑक्सीजन एज वेल एज हॉट वाटर एज वेल एज यू नो जितने भी मतलब एक लाइफ को सपोर्ट करने के लिए विद इन द ओशन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो वो सब इससे मतलब बेसिकली डाइव सपोर्ट वेसल से डाइवर्स को ट्रांसपोर्टेशन की जाती है अब अगर इनमें से एक भी चीज़ डैमेज हो जाती है लाइक जो मेन केबल है अगर वो डैमेज हो जाता है या फिर कोई सप्लाई नहीं आ रही है और बेल ट्रैप हो चुकी है सी बेड पर ओके तो इस केस में ये केस बनेगा कि डाइव डाइविंग बैल इज लॉस्ट और ट्रैप्ड इनसाइड द सी बेड अब याद रखना कि ये जो केस मैं आपको बता रहा हूँ डाइविंग बैल लॉस्ट ये सेम केस एप्लीकेबल होगा अंडर वाटर वेल्डिंग हैबिटेट के लिए मतलब बेसिकली अगर सी बैट पर आपको डाइविंग डाइविंग करते हो वेल्डिंग भी परफॉर्म करनी है तो उस टाइम पर एक हैबिटेट का हम यूज़ करते हैं जिसमें कि आप ड्राई वेल्डिंग कैरी आउट कर सकते हो जैसे कि हम हाइपरबेरिक वेल्डिंग बोलते हैं ओके okay? तो उसमें भी कभी कबार डाइवर्स फंस सकते हैं ओके बिकॉज ऑब्वियसली यू रिक्वायर लाइफ सपोर्ट इन ऑर्डर टू परफॉर्म योर वर्क्स देर ओके तो इन सब केसेस को क्या के है ना लॉस्ट बेल के इंसिडेंट में हम डालते हैं मतलब लॉस्ट बैल के सीनेर में डालते हैं चाहे वो अंडर वाटर हैबिटिट हो या फिर आपकी जो डाइव बेल है वो लॉस्ट हो जाए ओके सो so, ये होता है लॉस्ट बेल का मतलब सेकंड पॉइंट यहाँ पे बता रहा है बिकॉज ऑफ लिफ्ट वायर एंड एंडल ऑफ सिवियर और बिकॉज द बेल इज ट्रैप्ट अलॉग विद ल लॉस्ट ऑफ सप्लाई ऑफ ब्रीथिंग गैस एंड हीटिंग फ्रॉम सर्फिस ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया एक बेल को हम लॉस्ट कम मानेंगे जब जो मेन वायर है जिससे कि डाइव बेल जो है डी एस वी डाइव सपोर्ट वैसल से कनेक्टेड है तब या फिर जो मेन अम्बलिकल्स हैं जो कि हॉट वाटर आफ्टर दैट ऑक्सीजन न्यूमो ये सब के जो बेसिकली अम्बिकल्स रहते हैं उनमें से कोई डैमेज हो जाए ओके okay, तो इन दोनों केसेस में जो डाइव बैल है उसे लॉस्ट हम माना जाएगा ठीक है तो इस तरीके की कुछ डाइव बैल होती है देखो ओके दिस इज वॉट कॉल्ड अ लाइक डाइव बैल इस तरीके से लॉन्च करते हैं हम डी से और एक टिपिकल डी कुछ इस तरीके का होता है डायनेमिक पोजिशनिंग वैसे होता है ऑब्वियसली बिकॉज बिना इसके यू कॉन्ट लाइक डू दैट डाइविंग यू नो और ये एक डेक डिकम्प्रेशन चैम्बर है तो एक बार हमारी डाइविंग जैसे कंप्लीट हो जाती है हम डाइवर्स को ऊपर बुला के सॉफिस पर उन्हें डिकम्प्रेशन चैम्बर में डाल के उनका ट्रीटमेंट कर दें ताकि डी सी जो है उसे अवॉइड किया जा सके ओके okay, तो ये तो हो गया बेसिक बेसिकली लॉस्ट पैल का मतलब होता क्या है नाउ फंडामेंटल्स कुछ आपको पता रहना चाहिए कि अगर एक लॉस्ट पैल जैसे हम फायर के बारे में पढ़ते ना कि अगर अगर एक बिल्डिंग में फायर लग जाती है तो कितने टाइम तक सर्वाइवर्स हैं वो रह सकते हैं या फिर स्मोक का मूवमेंट कैसे होता है इस तरीके से कुछ फंडामेंटल्स यहाँ पे हैं डाइविंग बेल के बारे में दैट यू शुड भी नोइंग बिफोर गोइंग इन टू द डेप्थ लाइक कैसे प्रिपेयर करना एन ऑल ऑल दिस थिंग्स तो पाँच फंडामेंटल पॉइंट्स मैंने यहाँ पर ऐड कर रखे हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सो दर्स्ट ऑफ ऑल दट अगर कोई बंदा या फिर कोई डाइवर सेचुरेशन डाइवर बेसिकली डाइविंग बेल में तो उसे मेन रिस्क क्या होता है तो सबसे मेन रिस्क जो है यहाँ पे दो हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथर्मिया मतलब कोल्ड की वजह से जब आपका कोर बॉडी टेम्परेचर एक सर्टिन टेम्परेचर के बिलो चले जाता है देन वहाँ पर डेथ के चांसेस बनते हैं और अनकॉन्शियसनेस डाइवर्स को हो सकती है और दूसरा है सी ओ तो सेचुरेशन डाइवर में डाइविंग में अगर आप डाइविंग बेल के अंदर हो दैन देर आर टू मेन हैजर्स फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथर्मिया एंड second इज यू टू पॉइजनिंग आफ्टर computer कंप्यूटर of ऑफ सर्वाइवल इन अ लॉस्ट vary वेरी about अबाउट to टू ट्वेंटी फोर आवर्स अभी क्या है uh, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम फायर मॉडलिंग के बारे में हम पढ़ते थे तो सी एफ हमने हम वहाँ पे बनाए थे ताकि हम फायर का बेहेवियर आइडेंटिफाई कर सकें उसी तरीके से कुछ कंप्यूटर प्रडिक्शन्स हुए हैं जिसमें हमें ये पता चला है कि अगर एक बेल जो है डाइव बेल जो है इस तरीके का एग्जिट पॉइंट होता है वो अगर लॉस्ट हो जाती है तो कितने टाइम तक वो बेसिकली सर्वाइव कर सकते हैं अगर मान लो आपका मेन वायर है वो कट चुका है डी से आपके जो अम्बिकल्स हैं वो सिवियली डैमेज हैं तो कोई भी जो लाइफ सपोर्ट की फैसिलिटीज़ हैं आप तक नहीं आ रही हैं देन अप टू हाउ मच टाइम डाइवर्स कैन सपोर्ट इन साइड द सी बैट ओके तो बेसिकली इन्होंने ये कहा है कि अगर कंडीशंस फेवरेबल हैं जो भी इक्विपमेंट एमरजेंसी इक्विपमेंट हम लोगों ने डाइव वैल के अंदर प्रोवाइड किए हुए हैं वो एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं डाइवर्स फुली ट्रेंड है मतलब एमरजेंसी रिस्पांस में विद इन द डाइविंग बैल इन अ लॉस डाइविंग वैल दैन द डाइव वैल कैन बी सस्टेन अप टू ट्वेल्व टू ट्वेंटी फोर आवर्स मतलब इसका कहने का मतलब ये डाइव वैल लॉस टू आप पे बारह से चौबीस घंटे अपनी जो भी फैसिलिटीज है आप उन्हें मोबालाइज करो दूसरा डी एस वी बुलाना है उसको बुलाओ दूसरा जो रेस्क्यू डाइव डाइवेल है उसको लॉन्च करना एक करो आपके पास 12 से 24 घंटे हैं उन डाइवर्स को जो इंट्रैप्ड या फिर जो फंसे हुए डाइवर हैं सी बेट पर उनको रिट्रीव करने के लिए अगर 12 से 24 घंटे में आप नहीं निकाल पाए दैन देर आर चांसेज दैट दे विल बी नो मोर इन द दी बेट बिकॉज हाइपोथरमा होगा ऑब्वियसली बिकॉज ओशियन वाटर्स आर कोल्ड ऑब्वियसली ओके आफ्टर दैट रेस्पिटरी इशूज़ भी हो सकते हैं अभी बहुत ज़्यादा तो ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड टाइम रहता है बारह से चौबीस घंटे का जो कि आपको दिया जाता है रेस्क्यू के लिए आफ्टर दैट प्रिडिक्शंस ऑफ सर्वाइवल टाइम डिक्रीज ड्रामेटिकली पॉसिबल टू एस लिटिल एस सिक्स आवर्स अब कंडीशनस बढ़िया हैं दैन बारह से चौबीस तक जा सकता है अगर कंडीशन मान लो उसमें जो भी इक्विपमेंट वगैरह वो डैमेज है उनका इंस्पेक्शन नहीं हुआ तो वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं तो कम से कम एटलीस्ट छः घंटे तक डाइवर्स के अंदर रह है सकते हैं आई डों थिंस छः घंटे में कोई कोई भी लाइक डाइविंग वेल रेस्क्यू डाइविंग वेल वहाँ पर जाकर उन्हें रेस्क्यू कर सकती है बिकॉज डाइवर्स को पानी के अंदर जाने से पहले दर इज़ अ प्रोसेस कॉल रिकम्प्रेशन तो जो 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 भी डेप्थ मतलब जितनी भी डेप्थ में प्रेशर है उन्हें उन्हें जहाँ पर बेसिकली वर्क परफॉर्म करना है तो उतने पर उन्हें पहले कंप्रेस किया जाता है देन दे विल भी सेंड टू डाइविंग बेल आफ्टर दैट डाइविंग बेल विल भी डायरेक्टली लोअर टू द सी बैड तो ये प्रोसीजर होता है और सेम प्रोसीजर रिपीट किया जाता है जब डाइवर्स को हम सर्फेस पिले किया जाता है उसको हम डी सी ए चेंबर में डालते हैं ताकि उनका जो प्रेशर वर्किंग प्रेशर था उसको रिलीज़ करके नॉर्मल जो एम्बिन प्रेशर है वहाँ तक ला सकें तो so, इन सबको करने में क्या है ना टाइम लगता है ये तुरंत चीज़ें नहीं है तो तुरंत वाली चीज़ें चीज़ें जो होती है जिन्हें हम रैपिड डिकम्प्रेशन बोलते हैं रही रही रही। <snoff> रही रही है। वो बहुत ज़्यादा क्रिस्की होती हैं और अंडर द हाइपरबेरिक डॉक्टर्स के सुपरविजन में बेसिकली होती हैं तो यू नीड टू मेक श्योर दैट जितनी भी एमरजेंसी फैसिलिटीज़ हैं वो साइट पर अवेलेबल रहे बिकॉज इफ इट्स नॉट देर दैन इट्स कॉन रिजल्ट इन वॉस ओके आफ्टर दट पॉइंट नंबर फोर रेस्क्यू टाइम विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द एमरजेंसी एंड द टाइम रिक्वायर टू मोबाइल रेस्क्यू फैसिलिटीज़ ऑब्वियसली आपका एक डी मिड ओशन में हाई सीज़ में जा रहा है तो वहाँ पे ऑब्वियसली हर चीज़ आपको नहीं मिल सकती आपको हर परिवारिक डॉक्टर्स ऑन द स्पॉट नहीं मिल सकते आपको हॉस्पिटल्स हाई सीज में नहीं मिल सकते तो यू नीड टू बी मेक श्योर दैट अगर आप कोई ऑपरेशन ऐसे कंडक्ट कर रहे हो ओके देन देर शुड भी एटलीस्ट वन एडिशनल वेसल इज देयर अगर वो वेसल नहीं खड़ा वहाँ पे हो सकता है तो दैन जो भी आप डी लेके जा रहे हो इट शुड हैव अ ट्विन बिल बैल सिस्टम ओके ट्विन बैल सिस्टम हो दो डाइविंग बैल आप पे पड़ी हो मतलब बेसिकली जो डाइव सपोर्ट वेसल है उस पर और एक डाइवर्स की टीम वो ऑलरेडी इन सैचुरेशन शुड भी अवेलेबल तो अगर कुछ भी यहाँ पे रॉन्ग जाता है तो इमीजिएटली हम उन्हें डिप्लॉय कर सकें ऐसा ना उनकी सैचुरेशन में फिर टाइमिंग लग जाए और तब तक समथिंग एल्स विल हैपन ओके पॉइंट नंबर फाइव द लॉस्ट बेल्स अवेल प्रोसीजर इज एप्लीकेबल फॉर अंडर वाटर वेल्डिंग हैबिटेट एमरजेंसी इन री ऑल्सो एज आई टोल्ड यू अंडर वाटर हैबिटेट एक हम यूज़ करते हैं बेसिकली वेल्डिंग परफॉर्म करने के लिए अंडर वाटर तो उसके लिए भी अगर उसमें भी कोई इमरजेंसी होती है तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर एप्लीकेबल इट इज मैंशन इन निम्कर डी जीरो वन सेवन यू कैन चेक आउट दैट ऑल्सो नाउ अब हमने डाइविंग बेल एक्सीडेंट किया होता है उनके फंडामेंटल्स को जान लिया एटलीस्ट बेसिक फंडामेंटल एज पर एम का डी जीरो वन सेवन ओके अब हम देखेंगे कि अगर कोई फंस चुका है या फिर अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हो किसी ड्राइवर को कि भाई लॉस्ट बैल के सीनियर में आपको क्या करना है देन किस पॉइंट्स को आपको कवर करना है और क्या बेसिकली प्रोसीजर रहता है इनकेस अगर मेरे को पता है मैं एक सेचुरेशन बैल के अंदर हूँ ठीक है मेरे अम्बलिकल्स टूट चुके ऊपर से या फिर जो मेन कनेक्शन वो लॉस्ट हो चुका है बिकॉज पता चल जाता है ठीक है वो बैल जब गिरता है ना सी बेड पर देन एवरीबडी विल नो दैट ओके तो आपको उस टाइम पर क्या बेसिकली रिस्पॉन्स अपने एंड से करना है तो नाउ वी विल कवर इन द लास्ट स्लाइड फाइन ओके okay, तो स्टेप नंबर वन जो है आपको करना है बेल को प्रिपेयर आपको पता चल गया भाई अब तो छूट चुका है कनेक्शन ऊपर से ठीक है काम वाम नब छोड़ दो उस टाइम पे यू नो नीड टू परफॉर्म एनी सॉर्ट ऑफ वर्क नाउ यू नीड टू प्रिपेयर फॉर योर सर्वाइवल ओके तो उस टाइम पे आपको क्या करना है सबसे पहले जो बेल के अंदर जितना भी कबाड़ा पड़ा हुआ है कबाड़ा इन द सेंस जो काम का चीज़ टूल्स वूल सबको निकाल के बाहर फेंको बिकॉज यू डोंट रिक्वायर दैट यू रिक्वायर स्पेस वेयर यू कैन रिलैक्स ओके और आपका से आप सेफ रहो बेसिकली ओके सेफ प्लेस हो आप लोग के तो जितने भी टूल्स वगैरह जो अननेसरी टूल्स हैं उनको निकालो वहाँ से ओके आफ्टर दैट रिमूवल ऑफ एक्सेसिव वाटर अगर वहाँ पे कुछ भी वाटर है आपको लग रहा है एक्सेसिव वाटर स्टोर्ड है या फिर कुछ भी चीज़ है वैसे तो नहीं आता इनकेस अगर आपको लग रहा है तो उसको भी आपको रिमूव करना है बिक वाई बिकॉज वहाँ पर हम कुछ थर्मल प्रोडक्टिव टी का यूज़ करने वाले हैं हीट को कंजर्व करने के लिए बिकॉज लॉस ऑफ हीट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हजार्ट ओके इन सैचुरेशन डाइविंग वैन यू आर अंडर बैल ओके आफ्टर दैट कॉयलिंग आपके जितने भी अम्बलिकल्स हैं मतलब ऊपर से जो भी अम्बलिकल्स आ रहे हैं या फिर एडिशनल जो अम्बलिकल लेंथ आप पे डाइविंग बेल के अंदर पड़ी हुई है उसे आपको कॉयल करना है कॉयल ऐसे करना है राउंड फिगर में ताकि एक जो डाइविंग बेल का सर्फेस है उससे ऊपर थोड़ा बहुत एलिवेटेड प्लेटफॉर्म हमें मिल जाए जहाँ पर डाइवर्स जो हैं सैचुरेशन डाइवर जो है वो रेस्ट कर सकें बेसिकली ओके बिकॉज एज आई टोल्ड यू हाइपोथर्मिया तो हाइपोथर्मिया कंडक्शन कन्वेक्शन की वजह से हो सकता है अगर आप सर्फेस प्लेट लेटोगे तो सो दैट्स वाई यू नी टू मेक श्योर दैट आप सर्फेस से थोड़ा सा ऊपर हो तो उसमें अमलीगल आपका हेल्प करेगा तो so, बेसिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ओके आर्मर मटेरियल को हम बेसिकली यूज़ करते हो तो इतनी जल्दी सीवियर नहीं हो सकता मतलब डैमेज इतना जल्दी ईजिल नहीं हो सकता है आफ्टर दैट लास्ट स्टेप इज क्लोजिंग आपको जो सैचुरेशन डाइविंग बेल है उसका हैच कर देना है क्लोज अब आप बोलोगे कि भाई क्लोज कर देंगे तो देन हाउ अबाउट द ऑक्सीजन अगर हमारा बेसिकली जो अम्बली कले वो डैमेज हो गया तो ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड होगा तो देखो सिंपल मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ ये जो आपको डाइव बेल दिखाई दे रही है ना तो जैसा मैंने आपको बताया था बारह से चौबीस घंटे के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट यहाँ पर रहता है मतलब आप ज़िंदा रह सकते हो तो इसके साइड में ना सिलेंडर्स लगे रहते हैं ओके okay? तो इनके केस अगर कनेक्शन टूट भी जाता है ना तो ये इंडिपेंडेंटली आपको सस्टेन करेगा लाइफ कोव प्रिजर्व करने के लिए अंडर द वाटर ओके स्टेप नंबर वन कंप्लीट किया अब स्टेप नंबर टू में हमें आना है इमरजेंसी इक्विपमेंट जो भी उसमें हैं हम लोग को वो निकालने लाइक थर्मल सर्वाइवल बैग्स सीओ स्क्रबर्स ओके ऑक्सीजन रिजनरेटर दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स वी नीड टू टेक इट आउट ओके okay? तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा मतलब अपने एंड से क्या करना पड़ेगा इस प्रोसेस में सबसे पहले तो हम लोग को अपने आप को ड्राई करना है ठीक है एज अ डाइवर हम लोग वेट रहते हैं मैक्सिमम टाइप ठीक है तो हम लोग को अपने आप को ड्राई करना है ताकि जो टी पी एस हैं या फिर जो भी थर्मल सर्वाइवल बैग्स हैं वो अपना मतलब हंड्रेड परसेंट दे सकें हम लोग को प्रिजर्व करने के लिए बिकॉज अगर आप वेट उसके अंदर जाओगे देन उनकी एफिशियंसी लूज हो वहाँ पे अच्छी तरीके से होने वाली है और योर सर्वाइवल टाइम विल भी लेस ओके आफ्टर दैट यूरिनेशन अगर आप तय हो चुका है कि भाई हाँ सर्वाइवल बैग के अंदर जाना है तो आपको यूरिनेट होना है पहले बिकॉज आप सर्वाइवल बैग के अंदर चले गए फिर आप यूरिट urine, यूरिनेट होने के लिए बाहर आओगे देन देर विल बी अ सम सॉर्ट ऑफ हीट लॉस ओके और अगर थर्मल सर्वाइवल बैग के अंदर ही यूरिनेट आप हो गए देन ऑब्वियसली उसकी एफिशंसी जो है वो डिग्रेड हो जाएगी तो आपको मेक श्योर sure करना है कि आप थर्मल सर्वाइवल बैग में अगर जा रहे हो तो आप पहले यूरिनेट हो जाओ ठीक है आफ्टर दैट सिक्योरिंग अरेंजमेंट आप अम्बली रख लिया थर्मल सर्वाइवल बैग के अंदर चले गए अब अपने आपको सिक्योर करना है बिकॉज देखो अगर वहाँ पे जो रेस्क्यू डाइवर्स हैं उनकी टीम वहाँ पे आती है तो ऑब्वियसली वो लोग बेल का कनेक्शन करेंगे और बेल ऊपर को जाएगी ठीक है तो उस टाइम पर आप नहीं चाहते कि बिकॉज ऑब्वियसली आप उस टाइम पर एक हाई हाइपोथर्मिया स्टेज से लड़ रहे होगे ठीक है आप नहीं चाहते कि उस बेल के मूवमेंट की वजह से बिकॉज अंडर वाटर करेंट्स भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बेल है उसके मूवमेंट में कि आप अनस्टेबल हो और फिर से सरफेस पे आओ जो कि ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज़्यादा ठंडी है ठीक है तो अपने आप को सिक्योर करके चलना है जैसे हम ड्रॉप्स में बात करते हैं ना सिक्योरिंग uh, की प्राइमरी सिक्योरिंग एंड सेकेंडरी रिटेक्शन तो उसी तरीके से आपको अपने आप को सिक्योर करके रखना है द अम्बलिकल कॉइल आफ्टर दैट स्टेप नंबर थ्री थर्मल थर्मल रीजनरेटर यूनिट एंड सी ओ टू स्क्रबर ऑब्वियसली थोड़ा डाइव बैल well में टेम्परेचर सही रहेगा एज वेल एज जो भी सी ओ टू आप रिलीज कर रहे हो ठीक है एक्सेलेशन के थ्रू उससे वो साफ़ करेगा ऑब्वियसली ऑक्सीजन वहाँ पे रहेगी उसके बाद स्टेप नंबर फोर है आपका इमरजेंसी राशंस अब इमरजेंसी फूड सप्लाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है चाहे वो लाइफ पोर्ट में हो लाइफ राफ्ट में हो या फिर डाइविंग बेल में हो तो बेसिकली इसमें एक इनका डी जीरो वन सेवन में एक स्टैंडर्ड दिया गया है कि आपके पास हाई एनर्जी कार्बोहाइड्रेट फूड होने चाहिए सॉरी मैंने यहाँ पे कार्बोनेट लिख दिया है इट्स अ कार्बोहाइड्रेट ओके आपको कंजप्शन करना है हर घंटे में एक ट्वेंटी वन ग्राम का कार्बोहाइड्रेट बार ओके okay? अदरवाइज अगर वो अवेलेबल नहीं है देन यू शुड बी कंज्यूमिंग एटलीस्ट टू फिफ्टी एम एल ऑफ कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक एवरी सिक्स आवर्स इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट आपकी बॉडी जो है वो नेसेसरी हीट को जनरेट कर रही है ठीक है आप हाइपोथर्मिया में नहीं जा रहे हो बिकॉज अगर हीट जनरेट नहीं होगी और टेम्परेचर विल फॉल डाउन एंड आप लोग हाइपोथर्मिया में वहाँ पे चले जाओगे तो ये थे पांच स्टेप जो आपको ट्रेनिंग में कवर करने और इंश्योर करने की डाइवर्स जो है वो अच्छी तरीके से इनसे फैमिलियर हों तो इन केस ऑफ अ डाइव डाइविंग बेल लॉस ओके okay, वो ईजिली अपने आपको रेस्क्यू कर सकें और सर्वाइव करें फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द टाइम नाउ मैं आपको यहाँ पे एक केस स्टडी है जिसका नाम है द वाइल्ड रेक एक्सीडेंट नाइनटीन लेट मी नो इफ यू रिक्वायर केस स्टडी ऑन दैट इसको रिकमेंड करूँगा बहुत ही तगड़ा वाला डाइविंग एक्सीडेंट है मतलब यू विल लर्न अलाउट इफ यू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर एक्सीडेंट यू आर गोट लर्न अलाट दिस सो दिस इज वॉट द डी एस वी दैट वॉज इंगेज इन द वाइल्ड रेक एक्सीडेंट नाइनटीन सेवनटी नाइन तो यू कैन श्योरली चेक आउट दिस पर्टिकुलर एक्सीडेंट ओके लॉट ऑफ वीडियोज़र अवेलेबल एज वेल एज यू कैन स्टडी अबाउट दैम गूगल ऑल्सो ओके वीडियो आपको पसंद आया होगा एज वेल एज यू लर्न अबाउट समथिंग अबाउट लॉस पल सर वाइवल सो इफ यू एव एनी डाउट पुट दैम इन द कमेंट सेक्शन आई कैन चेक आउट एंड लेट मी नो इफ यू रिक्वायर एनी स्पेसिफिक वीडियो विद रिगार्ड्स टू वन मराइन टॉपिक ओके सो एल मीट यूथ एन एक्सपीडियड विन टेक केयर बाय टेक केयर